स्पेशल डिमांड में मैं गाड़ी स्टार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आवाज़ सुनना भाई, इंजन की क्या ही आवाज़ है, ठीक है ना। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई आज है होली, तो भाई होली के ऊपर आप लोग के लिए मैं लेके आ चुका हूँ एक बम्पर ऑफर और बम्पर गाड़ी। तो मेरे सामने खड़ी है इस टाइम पे इनोवा क्रिस्टा, ठीक है, 2.4G वेरिएंट गाड़ी का अपने सामने खड़ा है, 2.4 CC का इंजन अपने सामने गाड़ी का खड़ा है। तो मतलब टोयोटा के इंजन की तो बात ही करनी छोड़ दो भाई, टोयोटा के इंजन ये लगा लो 10-10 लाख किलोमीटर भी आराम से चलते हैं। तो अपने सामने खड़ी है गाड़ी इस टाइम पे कुछ इस तरीके की कंडीशन के अंदर, सिल्वर कलर गाड़ी का है, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर गाड़ी आ जाती है। अपन बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर अपने को कैप्टन सीट्स भी देखने को मिलने वाली हैं। तो गाड़ी के अंदर मिनिमम बता दूं तो भाई 50-60 हज़ार की एसेसरीज ऑलमोस्ट लगी हुई, छोटी मोटी लगी हुई हैं, तो कुछ इतना मेजर कह सकते हैं हमारे को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बट जो गाड़ी है ना भाई, गाड़ी नाम से ही काफ़ी बिक जाती है। इस टाइम पर अपने सामने खड़ी है, तो भाई मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग के पास काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ की आप लोग के सामने आ चुकी हैं। तो इधर भाई नया एक स्टॉक आ चुका है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाला हुआ है, जगह का एड्रेस वेड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। आ जाते हैं अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, तो भाई लोग फ्रंट प्रोफाइल में अपने को यहाँ पर कुछ इस तरीके की ग्रिल कार में देखने को मिलने वाली है। मैट ब्लैक नहीं कह सकते हम इसको, थोड़ा सा ग्लॉस ब्लैक के अंदर देखने को मिलने वाली है। टोयोटा का लोगो इतना बड़ा भाई क्रोम के अंदर फ्रंट ग्रिल पे देखने को मिल जाता है। कार के साइज़ के हिसाब से जो टोयोटा का लोगो है ना, वो काफ़ी बढ़िया दिया गया गाड़ी के अंदर। कुछ इस तरीके के एयर इनटेक के लिए अच्छी खासी ग्रिल देखने को मिलने वाली है। क्रोम का इनलेट अपने को कार की फ्रंट ग्रिल के अंदर उतना खास कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। आ जाते हैं यहाँ पर, तो अपने को सिल्वर फिनिश इस जगह पर भाई यू शेप में हम कह सकते हैं देखने को मिलने वाली है। आएँ अगर हेडलाइट्स की तरफ, तो अपने को यहाँ पर दो तरीके की हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं इस मतलब इनोवा क्रिस्टा के वेरिएंट के अंदर मिलती थी। रिफ्लेक्टर वाली आ जाती थी एक ही, रिफ्लेक्टर वाली डुअल चैम्बर्ड देखने को मिल जाती है। तो भाई ये जी वेरिएंट के अंदर यही वाली लाइट्स आती हैं डुअल चैम्बर्ड के। इधर अपने को LEDs देखने को मिलने वाली, मतलब LEDs के HID देखने को मिल जाती है गाड़ी की हेडलाइट्स के अंदर प्लेस्ड एज ए नेसेसरी पार्ट। ये भी अपने को दोनों ही हाई बीम लो बीम के अंदर इसमें HID देखने को मिल जाती है। इसके अंदर एक प्लस पॉइंट दिखाऊं आप लोग को, ये देखो भाई अपने को यहाँ पर कॉर्नरिंग लैंप भी देखने को मिलने वाला है, जो वो भी LED कराया गया है भाई, मतलब एक कमाल की बात यही आ जाती है। और जो क्रोम का मैंने जैसे कि बताया आपको इनलेट्स फ्रंट ग्रिल के अंदर देखने को उतने खास नहीं मिलते हैं, तो वो आ जाते हैं भाई। ये देखो हेडलाइट्स के अंदर तो आ ही रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर फ्रंट ग्रिल के अंदर भी लगाया गया कि एक मतलब कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा एक जो पैटर्न है ना कम्प्लीट हो जाए, कि मतलब वो थोड़ा बीच में ग्रिल में नहीं होगा तो वो कम्प्लीट नहीं होगा। तो आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो भाई अपने को यहाँ पर फोग लैम्प्स इस जगह पर प्लेस देखने को नहीं मिलने वाले। फोग लैम्प्स के लिए प्लेसिंग दी गई है, बट इस वाले वेरिएंट के अंदर प्लेस देखने को नहीं मिलने वाले। यहाँ पर आए तो भाई अपने को इंडिकेटर्स इसके अंदर बम्पर में देखने को मिलने वाले हैं, हैलोजन के अंदर कुछ इस शेप के इंडिकेटर्स हमारे को देखने को मिल जाते हैं। अपने को जो इंडिकेटर्स देखने मिलने वाले हैं भाई, वो अपने को देखने को मिल जाते हैं एक कवर के अंदर, जो कि है भाई मैट ब्लैक फिनिश का। फिनिश के कवर के अंदर अपने को इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। आए अगर भाई इसके अंदर नीचे की तरफ बम्पर में ही, तो यहाँ पर अपने को मैट ब्लैक फिनिश के अंदर ये अलग इनलेट देख रहे हो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ जो अगर बात कर लेते हैं अपने को इसका जो डिफ्यूज़र या फिर फ्रंट स्किड प्लेट कहें, वो बॉडी कलर देखने को मिल जाती है। इस तरफ अगर बात कर लेते हैं तो भाई अपने को यहाँ पर फोग लाइट्स के लिए प्लेसमेंट देखने को मिलती है, बट फोग लाइट्स इसमें प्लेस देखने को नहीं मिलने वाली है। अब आपको लेके चलता हूँ अगर इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ, तो भाई फ्रंट में ऐसा कुछ था नहीं, जो बोनेट की लेंथ है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि अगर आप कार के अंदर बैठे तो आप अपने फ्रंट तक का जजमेंट है ना फ्रंट तक की वो ईजिली कर सकते हैं। जो इसके वाइपर्स हैं वो थोड़े से यूनिक स्टाइल के हैं, मतलब प्रीमियम कार है तो भाई प्रीमियम वाइपर्स इसमें दिए गए हैं। आ जाते हैं इस तरफ, तो भाई अपने को साइड प्रोफाइल कार है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अपने को यहाँ पर कुछ ऐसे टायर्स देखने को मिल जाते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स अपने को डुअल शेड में देखने को मिल जाते हैं भाई। यहाँ पर अपने को 16 इंची के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं टोयोटा की तरफ से ही। और जो टायर की बात कर लेते हैं भाई अपने को योकोहामा के इसके अंदर टायर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। ORVM की बात कर लेते हैं तो भाई अपने को यहाँ पर क्रोम का ये अलग एक जो पैनल कह सकते हैं हम कवर देखने को मिल जाता है इस तरफ, तो भाई ये एकदम बढ़िया लुक्स दे रहा है कार के हिसाब से। काफ़ी सारे क्रोम के इनलेट्स कार के अंदर लगे हुए हैं, मैं धीरे धीरे करके आप लोग को बताता हुआ चलूँगा। हेडलाइट्स के मैंने बता दिया, इधर वाले पैनल के भी आपको मैंने क्रोम के इनलेट्स देखने को बता दिए हैं। मैट ब्लैक फिनिश अपने को बाकी के ORVM की तरफ देखने को मिल जाती है। इधर अपने को LED के अंदर टर्न इंडिकेटर ही ORVM के ऊपर प्लेस देखने को मिलने वाला है। आ जाते हैं अगर हम इस तरफ पे भाई, तो यहाँ पर अपने को क्रोम के अंदर विंडो गार्निश भी एज ए नेसेसरी पार्ट देखने को मिल जाती है। ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भाई अपने को जो इसका डोर वाइज़र है इधर भी क्रोम देखने को मिल जाता है भाई। डोर वाइज़र सिर्फ चार पार्ट में लगवाया है, सी पिलर वाले पैनल पर भी लगवाया गया ग्लास के ऊपर। इस तरफ अगर बात कर लेते हैं तो भाई यहाँ पर अपने को डोर हैंडल भी क्रिस्टा के देखने को मिल जाते हैं, जो कि क्रोम के अंदर है।
ये भी एज ए नेसेसरी पार्ट इसके अंदर इंस्टॉल कराया गया है। नीचे की तरफ अगर अपने को बात कर लेते तो यहाँ पर अपने को सिल्वर फिनिश के अंदर बीडिंग विद ब्लैक कलर में भी फिनिश देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर अपने को फुट स्टेप्स भी सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। जिस हिसाब से गाड़ी की लेंथ हाइट है ना वो है ना भाई, तो उस हिसाब से अपने को ये थोड़े से ऊपर गाड़ी में चढ़ने को प्रॉब्लम होती होगी, तो इस वजह से भाई ये एज ए नेसेसरी पार्ट लगवाया गया। डीजल टैंक अपने को इस तरफ देखने को मिल जाता है, BS4 कार अपने को सामने खड़ी हुई देखने को मिलने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं 2021 की गाड़ी है, हमने जो ये गाड़ी खड़ी है ये है 2021 की कुल चली हुई है, वो आपको सारी डिटेल्स लास्ट में बता दूंगा। वो उससे पहले आप लोग कार की बाकी डिटेल्स देखो। भाई रूफ़ की बात करते हैं, अपने को रूफ रेल्स कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं सिल्वर प्लस ब्लैक फिनिश में, ये भी एज ए नेसेसरी पार्ट लगवाई गई है। ऊपर अपने को शार्क फिन एंटीना इस जगह पर प्लेस देखने को मिलने वाला है, तो भाई ये भी एक कार के लुक्स को भाई इन्हेंस करने का काम अच्छा खासा कर देता है। आ जाते पीछे की तरफ तो स्पॉइलर कार के अंदर बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कार अधूरी अधूरी सी लगती, तो कुछ इस तरीके का स्पॉइलर अपने को कार में देखने को मिलने वाला है। यहीं पर अपने को हाई माउंट लैंप या फिर स्ट्रोब लैंप ऊपर की तरफ देखने को मिलने वाला है। मैं बता दूँ इससे पहले भाई ये किसी एडवोकेट की कार थी, तो एडवोकेट की जो कार होती हैं वो भाई काफ़ी अच्छे और जेन्युइन तरीके से ड्राइवन होती हैं, क्या खास ख्याल रखा गया होता है गाड़ियों का। मड फ्लैप्स वगैरह कार के अंदर बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं। अपने को बुलगार्ड भी कार में देखने को मिल जाता है। क्रोम की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको इस साइड के सारे क्रोम दिखा दिए, देखो रियर लाइट के ऊपर भी अपने को क्रोम देखने को मिल जाता है। रियर लाइट भाई इसकी अपने को कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर अपने को ब्रेक लैंप, यहाँ पर अपने को रिवर्स लैंप और इस जगह पर अपने को इसका इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है, तो कुछ इस तरीके का इसका सीन आ जाता है। रियर विंडशील्ड की बात कर लेते तो भाई रियर विंडशील्ड पर अपने को डिफॉगर देखने को नहीं मिलता है, बट जो वाइपर है वो कार के अंदर प्लेस्ड है। मतलब ये एक प्लस पॉइंट बोलूँ या फिर एक नेगेटिव पॉइंट बोलूँ पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा, बट जो भी आपके सामने है गाड़ी साइड पे अपने को इनोवा क्रिस्टा इतना बड़ा बड़ा क्रोम के अंदर देखने को मिलने वाला है। बीच में एक जो प्लेट है ना उसके ऊपर भी अपने को यहाँ पर टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ बात कर लेते हैं भाई क्रोम का वर्क यहाँ पर भी करवाया गया है कार के अंदर। बम्पर को सेफ रखने के लिए यहाँ पर अपने को एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लेट लगी हुई देखने को मिलने वाली, जिस पर भी अपने को यहाँ पर क्रिस्टा लिखा हुआ है देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर 2.4G की बैजिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। इस तरफ अपने को रियर व्यू कैमरा विद 4 पार्किंग सेंसर रियर बम्पर पे देखने को मिल जाते हैं। भाई पार्किंग सेंसर्स की तो जरूरत ही नहीं है जब आपने यहाँ पर इसमें ये बुलगाड़ी लगवा लिया, जिसमें भी लगेगी सीधा उसके काम खराब हो जाएगा। जोक्स अपार्ट अगर हम आ जाते हैं भाई कार की ड्राइवर साइड प्रोफाइल की तरफ, तो ड्राइवर साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का। भाई मैंने अभी तक इस गाड़ी के अंदर ना एक भी स्क्रैच नहीं देखा, कह सकते हैं स्वेल मार्क या फिर स्क्रैच वो अभी तक नहीं देखा। डोर पैनल खोल लूँ तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर काम कह सकते हैं टाइट वाइट हो रखा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज कर लेना। आ जाते हैं इस तरफ डोर पैनल की तरफ, तो भाई यहाँ पर देख रहे हो ये सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है। लग ऐसे रहा होगा सॉफ्ट टच है बट हार्ड प्लास्टिक है। सारा का सारा डोर पैनल अच्छा खासा लुक्स के अंदर है। इधर अपने को यहाँ पर देख रहे हो ये वाले फील के अंदर डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने को लीवर जो है ये क्रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। इस तरफ अपने को वुडन फिनिश कार के अंदर अच्छी अच्छी जगहों पर देखने को मिलने वाली है। इस तरफ अगर बात कर लेते हैं भाई अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसके विंडो कंट्रोल्स विद अपने को और वीएमयू कंट्रोल्स भी इसी साइड पर देखने को मिलने वाले। डोर पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अपने को स्पीकर रिप्लेसमेंट देखने को मिलती है, बॉटल होल्डर विद डॉक्यूमेंटेशन स्पेस। आ जाते हैं इंटीरियर में सीट्स की तरफ, तो अपने को रेक्लाइनर विद हाइट एडजस्ट देखने को मिल जाती है। सीट्स की तरफ लेके चलता हूँ, सीट्स में अपने को बैक सपोर्ट विद हम कह सकते हैं थाई सपोर्ट अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जो टैन कलर के अंदर इसका इंटीरियर पूरा हो रखा है भाई, अच्छे खासे कंपनी के सीट कवर्स इसमें डले हुए हैं। और बात कर लेते हैं अगर हम इसमें बकेट फिट सीट कवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सीट को कर लेते हैं सबसे पीछे और चढ़ जाते हैं गाड़ी में। इंटीरियर में अगर हम बैठ जाते हैं कार के, तो भाई बैठकर कर लेते डोर को बंद, तो भाई कुछ इस तरीके का गाड़ी का लुक आने वाला इंटीरियर में, तो ये वाला सीन आ जाता है कार के इंटीरियर की तरफ का। सबसे पहले मैं आपको अगर इसकी की दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की अपने को टोयोटा से की देखने को मिलने वाली, जिसके अंदर अपने को लॉक विद अनलॉक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। फ्लिप की कार की देखने को मिल जाती है। इसका चाबी का पैटर्न देखो भाई, थोड़ा डिफरेंट है बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की। सबसे पहले तो भाई लोग स्टेयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का अपने को राउंड के अंदर देखने को मिल जाता है। भाई कार के अंदर बैठ के फील ही अलग आ रही है, मतलब ऐसे लग रहा है किसी जहाज के अंदर बैठ गए होंगे, तो जो चलाता होगा भाई उसको तो डिफरेंट लेवल का मजा आने वाला है। सिल्वर फिनिश अपने को स्टेयरिंग व्हील पर भी देखने को मिल जाती है। इस तरफ अपने को वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलते हैं। इस तरफ अपने को किसी भी तरीके के क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन नहीं देखने को मिलते। यहाँ पर अपने को स्टेयरिंग को जल्दी जल्दी घुमाने वाला सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये रहा ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो सबसे पहले लगा देते गाड़ी के अंदर चाबी, मैनुअल गाड़ी अपने को देखने को मिल जाती है। चाबी लगा दिया भाई, ये देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पर टोयोटा लिखा हुआ देखने को मिलने वाला है। इस तरफ बाद में भैया शांति शांति
आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। चलो खत्म, ठीक है ये हमने कर दिया बंद। और अगर बात कर लेते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का लुक आने वाला है। इनोवा अपने को MID के अंदर लिखा हुआ देखने को मिल गया। 47859 किलोमीटर कार चली हुई है। टैकोमीटर प्लस स्पीडोमीटर कार के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर बात कर लेते हैं इसमें इल्यूमिनेशन की, तो भाई इल्यूमिनेशन बढ़िया वाली अपने को आने वाली है इसके अंदर। अभी वो दिन का सीन है तो इस वजह से आपको देखने को नहीं मिलने वाला, बट जो इल्यूमिनेशन है वो बिल्कुल सही वाली आ रही है। तो मैक्सिमम स्पीड है भाई स्पीडोमीटर में वो 200 की है, 180 तो मैंने कार काफ़ी सारी रील्स के अंदर भगती हुई देखी है। इसका मतलब जो इंजन है ना धाकड़ है भाई। आ जाते हैं इस तरफ, तो अपने को सिल्वर फिनिश की और वुडन फिनिश की कहीं भी कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो पूरी कार के अंदर भाई अच्छा खासा है प्रीमियमनेस देने के लिए कार के इंटीरियर के अंदर ये सारी चीज़ों का ख्याल अच्छा खासा रखा गया है। अगर बात कर लेते अब इसके इंफोटेनमेंट की, तो अपने को यहाँ पर भाई ये देखो इतनी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलने आ रही है। ये टच भी है भाई, ये नहीं है टच नहीं है, ये टच भी ही है। कुछ बटन्स भी आपको दिए गए हैं। अगर बात कर लेते हैं इसकी म्यूजिक सिस्टम की भी आपको साउंड सुनाऊंगा। उसके लिए अगर आप लोग पंजाबी गाना सुनना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको जाकर जल्दी से फॉलो करो। उधर आपको कल मतलब जिस दिन वीडियो डलेगी उसी दिन आप लोग को वो साउंड देखने को मिल जाएगी। उधर बात कर लेते हैं उस तरफ भी, अपने को यहाँ पर वुडन फिनिश अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। इधर नीचे की बात कर लेते हैं भाई, नीचे की तरफ अपने को यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग के कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। इस तरफ अपने को पावर मोड और इकोनॉमी मोड ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं। इस तरफ अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का सिस्टम इसके अंदर भाई एक प्लस पॉइंट दे जाता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना गाड़ी है अपनी रियर व्हील ड्राइव की, तो इस वजह से भाई अपने को यहाँ पर इसमें फायदा देखने को मिल जाता है। टक टक की साउंड बंद कर देते हैं अगर, तो भाई यहाँ पर नीचे अपने को थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिलने वाला, विद हम कह सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। इस तरफ बात करें तो अपने को 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। 2400 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी ना भाई इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही धाकड़ वाला सिस्टम दे जाता है। जो डैशबोर्ड की फिनिश है वो देखो थोड़ी सी ऐसे देखो इस जगह से, मतलब जो मेरी आंखों का लेवल है ना वो देखो भाई कितना ही बढ़िया लग रहा है। कुछ बढ़िया सिस्टम है। IRVM की बात कर लेते हैं, अपने को डे नाइट वाले सिस्टम के साथ IRVM देखने को मिलने वाला है। इस तरफ की बात कर लेते हैं अपने को यहाँ पर भाई वैनिटी देखने को मिल जाती है, इल्यूमिनेशन की कमी रखी गई है। इस तरफ अपने को सनशेड होल्डर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अपने को इसमें लाइट्स देखने को मिल जाती है, कैबिन लैंप LED कराई हुई है भाई ये भी, मैं बंदा शौकीन था। इस तरफ अपने को किसी भी तरीके की वैनिटी देखने को नहीं मिलने वाली है। ग्लोव बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो ये देखो ये एक छोटा वाला ग्लोव बॉक्स है पहले, इसके अंदर ज़्यादा कुछ स्पेसिंग तो नहीं है। ठीक, इसको कर देते हैं बंद। नीचे वाले ग्लोव बॉक्स की बात करें, ये देखो भाई इसमें भी ठीक ठाक स्पेस है, कुछ खास स्पेस इसके अंदर भी देखने को नहीं मिलता। मैट ब्लैक फिनिश का इंटीरियर ज़्यादा रखा गया है इसका, टैन फिनिश तो बंदे ने खुद करवाई हुई है। बाकी बात कर लेते हैं इस तरफ अपने को कप होल्डर हैंड ब्रेक का सिस्टम देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक पर भी अपने को यहाँ पर भाई ये सॉफ्ट टच देखने को मिलने वाली है, लेदराइट में है बट सॉफ्ट टच है। पीछे की तरफ अगर मैं आपको लेके चलता हूँ, अब उससे पहले बात कर लेते हैं इस तरफ अपने को मैनुअल इसका AC देखने को मिल जाता है। मतलब ठीक है भाई कार के हिसाब से ना, प्राइस के हिसाब से गाड़ी में और जो फीचर्स दिए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। आपको लेके चलूँगा अगर इसमें रियर की तरफ साइड पे, लास्ट में अगर आप बोलोगे तो भाई मैं आप लोग को इसके इंजन की साउंड भी सुनाऊंगा। साइड पर लेके चलता हूँ आपको, तो भाई ये देखो रियर साइड का डोर पैनल कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। उस तरफ से लेके आता हूँ आप लोग को, इस तरफ स्पेस कम है, उस तरफ ठीक ठाक स्पेस देखने को मिलने वाला है अपने को। ये वाला स्पेस खोल देता हूँ, ये वाला डोर खोलते ही अपने को कुछ इस तरीके का लुक आने वाला है डोर पैनल का। डोर पैनल के अंदर अपने को यहाँ पर सॉफ्ट टच इसमें भी देखने को नहीं मिलती है भाई। यहाँ देखो ये थोड़ा रफ है, ये वाला थोड़ा फाइन वाला सिस्टम देखने को मिलने वाला है। अपने को किसी भी तरीके की वुडन फिनिश की कमी नहीं देखी गई है। इधर भी अपने को बॉटल होल्डर विद कप होल्डर देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने को कैप्टन सीट्स कह सकते हैं हमारे को देखने को मिलने वाली है। देखो भाई आर्म रेस्ट इस जगह पर भी देखने को मिल जाते हैं पीछे, ताकि जो बंदा बैठ रहा है उसको किसी भी तरीके की हम कह सकते हैं कम्फर्ट में दिक्कत ना हो। इधर बात कर लेते भाई ये देखो अपने को यहाँ पर इसका यहाँ का AC देखने को मिलने वाला है। इस तरफ देखो ये फैन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है। ये नहीं कि भाई अर्टिगा के अंदर जैसे होता है ना, यहाँ पर से वो एयर ले रहा है और यहाँ पर दे रहा है, ये वाला सीन नहीं है भाई। वो ऑटोमेटिकली ऊपर रूफ के अंदर सिस्टम किया गया है, ताकि वो यहीं से ही ठंडी हवा मारे, वहाँ से लेके नहीं मारेगा। तरफ अगर बात करते पीछे की तरफ भाई अच्छी खासी कुछ इस तरीके की सीट्स देखने को मिल जा रही है। इधर भी अपने को हेड रेस्ट वेस्ट रेस्ट वगैरह सब कुछ देखने को मिल जा रहा है। ये सीट्स हम चाहें तो भाई फोल्ड करके पूरा का पूरा बूट स्पेस बना सकते हैं। इस तरफ भी अपने को ऊपर भाई हैंडल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी अपने को AC वेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो मतलब जो बंदा लास्ट रो में भी बैठ रहा है ना, उसको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इंटीरियर में अगर इस तरफ दिखाऊं तो भाई ये देखो इस तरफ भी अपने को कप होल्डर बॉटल होल्डर वगैरह सब कुछ देखने को मिलने वाले हैं। तो किसी भी तरीके की इनोवा है भाई ये।
छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें भी भाई अपने को मतलब ये देख रहे हो आगे पीछे करने का सिस्टम देखने को मिल जाता है, रिक्लाइनर भी अपने को इस जगह पर देखने को मिलने वाला है, तो सही है भाई ये। एक मतलब जो पीछे वाली सीट्स पर बैठ रहा है ना, कहते हैं काफ़ी सारी गाड़ियों की जो फ्रंट सीट्स होती हैं वो अच्छी खासी कह सकते हैं कंफर्टेबल होती हैं, बट जो रियर सीट्स होती हैं वो उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती क्योंकि वो एक तरीके से जुड़ी होती हैं और वो फिक्स्ड होती हैं, तो इस वजह से वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं। तो अगर बात कर लेते हैं अगर कार की, तो भाई नीचे आपको डिटेल्स लिखी आ रही होंगी, 2021 मॉडल गाड़ी है, ठीक है। तो चली हुई मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट 50,000 गाड़ी चली हुई है, तो 50,000 इस गाड़ी के लिए, तो ये लगा लो जैसे कहते हैं ना नई गाड़ी हम खरीदे तो वो रमा होती है, वो वाला सीन गाड़ी के साथ अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बट जो कार है ना भाई वो इस टाइम पे यहाँ पर खड़ी है, तो अगर आपको चाहिए हो तो नंबर आपको नीचे वही लिखा हुआ भी आ रहा होगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो शॉप का एड्रेस है प्लस जो भी इसकी डिटेल्स है वो सारी लिखी हुई आ रही होंगी। जिसको परचेज़ करनी हो तो मेरे रेफरेंस देके आपको पक्का कुछ ना कुछ अच्छा प्राइस मार्केट से कम में ही गाड़ी मिल जाएगी। जिसको चाहिए हो तो भाई लोग जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लेना एंड मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर जल्दी से आप लोग फॉलो करके इसकी जो कह सकते हैं हम इंटीरियर में जो साउंड है ना, जो मतलब म्यूजिक सिस्टम की साउंड है वो आप सुन सकते हैं। धन्यवाद।